जब नबुवत का अख्ताम हो गया तो क्या अल्लाह ने अपने इस दीन इस्लाम की हिदायत के लिए किसी हादी और रहबर को मुंतखब किया या कि यूँ ही छोड़ दिया? तो जब हमने तारीख के औराक़ को गर्दानना और देखना शुरू किया तो हमें पता ये चला कि परवरदिगार आलम ने नबुवत के अख्ताम के फौरन ही बाद इमामत का सिलसिला शुरू कर दिया। आज भी इसीलिए हमारा एक इमाम पर्दे गैब में है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है और दीन इस्लाम की रहबरी कर रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही सिलसिला हिदायत दीन पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन के हाथों तक आया कि जो इमाम हुसैन के हाथों में आया तो इमाम हुसैन ने भी दीन इस्लाम की नशर इशाअत के लिए, दीन इस्लाम की हिदायत के लिए यजीद से कहा कि यजीद सुन, तू अगर इस इलाही दीन में कोई रद्दो बदलो तरमीम करना चाहता है, तू हमारे नाना के दीन में, मोहम्मद के दीन में कोई तब्दीली करना चाहता है तो याद रख और सुन, जब तक हुसैन की रगों में खून का एक भी कतरा बाकी है उस वक्त तक तो इलाही दीन में कोई तरमीम नहीं कर सकता है, मेरे नाना मोहम्मद के दीन में कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता है। यही तो वजह थी कि इधर यजीद ने दीन इस्लाम को मिटाने की ठान ली थी, उधर हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाने की ठान ली। और हुसैन क्यों ना करते, दीन इस्लाम क्यों ना बचाते, इसलिए कि हुसैन ने आलम अरवाह में अपने नाना जान से वादा किया था। जब नाना जान ने पूछा था बेटा हुसैन आखिर तुम ये तो बताओ कि जब हमारे दीन पर कोई आँच आएगी, मुसीबत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे, इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, नाना जब तक हुसैन के रगों में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा उस वक्त तक तेरे दीन के ऊपर, अल्लाह के इस्लाम के ऊपर कोई आँच नहीं आने पाएगी। एक मतवा कायनात का आखिर रसूल कहता बेटा हुसैन वादा करने से पहले ये तो सुन लो कि तुमको हमारे दीन को बचाने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ देनी होंगी। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते नाना जान इरशाद फरमाइए, रसूल इस्लाम कहते बेटा हुसैन तुमको हमारे दीन को बचाने के लिए अपने बराबर के भाई अब्बास के बाजू देने होंगे। इमाम हुसैन कहते नाना जान मुझे मंजूर है। कायनात का आखिरी रसूल कहता बेटा हुसैन तुम्हें हमारे दीन को बचाने के लिए, इस इलाही दीन को बचाने के लिए अपने कलिया जवान अली अकबर के सीने से पर्ची का फल खींचना होगा। आवाज़ दी नाना मुझे मंजूर है। उसके बाद कायनात का आखिरी रसूल कहता बेटा हुसैन तुम्हें हमारे दीन को बचाने के लिए अपने भतीजे कासिम की लाश के पामाल टुकड़े इकट्ठा करने होंगे। आवाज़ दी नाना मुझे मंजूर है। रसूल इस्लाम कहते बेटा हुसैन तुम्हें हमारे दीन को बचाने के लिए
अपने जज्बाए नासिर की लाश अपने हाथों पर उठाना होगी। आवाज दिलाना मुझे मंजूर है। कायनात का आखिर रसूल कहता है, बेटा हुसैन, तुम्हें हमारे दीन को बचाने के लिए खुद अपना गला चीर के हवाले करना होगा। आवाज दिलाना मुझे मंजूर है। लेकिन आखिर में कायनात का आखिर रसूल सवाल करता है, कहता है, बेटा हुसैन, तुम्हें हमारे दीन को बचाने के लिए, तुम्हें अल्लाह के इस्लाम को बचाने के लिए अपनी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों की चादरें भी देना होंगी। लेकिन अब तारीख गवाह है कि हुसैन खामोश हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। कायनात का आखिर रसूल कहता है, बेटा हुसैन, क्या ये सब करने के बाद, अपना गला सिमर के हवाले करने के बाद, अली अकबर के सीने से बर्ची का पल खींचने के बाद, अब्बास के बाजू उठाने के बाद, अपने चचवाहे नासिर की लाश अपने हाथों पर उठाने के बाद, अपने भतीजे कासिम की लाश के टुकड़े इकट्ठा करने के बाद, ए मेरे बेटे हुसैन, आखिर ये तो बताओ कि क्या मेरे दीन को न बचाओगे, क्या अल्लाह के इस्लाम को न बचाओगे, क्या अपनी बहन ज़ैनब की चादर न दोगे। लेकिन तारीख गवाह है कि हुसैन अब भी खामोश है। लेकिन हाँ, पुश्त खैमा से बीवी की आवाज़ आई, ए भैया हुसैन, आप वादा कर लीजिए कल करबला के मैदान में दीन इस्लाम की नशर इशात व बका व तहफ्फुज़ के लिए ये बहन ज़ैनब अपनी चादर दे देगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम न लाए सिवाय गम सईद शुहदा के, जो इमाम हुसैन ने अपने नाना से वादा किया था। उस वादे को वफा करने के लिए हुसैन करबला के मैदान में आए। रोजे आशूरा आई, जंग का आगाज शुरू हुआ। इमाम हुसैन के एक सहाबी मैदान कताल में जाते रहे और दर्जे शहादत पर फायज होते रहे, यहां तक कि मेरे मजलूम हुसैन के सब सहाब अंसार शहीद हो चुके। एक मरतबा मेरा आका हुसैन दर खैमे पर आता है, आवाज़ देता है, ए बहन ज़ैनब, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम कबूल हो। ए रुकैया, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम कबूल हो। ए मेरी माँ की कनीज फिज़ा, तुम पर भी हुसैन का आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन सबको सलाम करके खैमे से बरामद होते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हुसैन के सर और तन के दरमियान में जुदाई पैदा कर दी जाती है। इधर इमाम हुसैन का सर नौ के नजरे पर बुलंद होता है, उधर मैदान कताल में स्यांधियाँ चलने लगती हैं, आफ्ताब को गहन लग जाता है, फुरात का पानी नैज़ों उछलने लगता है, ज़मीन करबला को जलजला होने लगता है। जैसे ही अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब ने मैदान कताल की बिगड़ती हुई हालत देखी, एक मरतबा अपने बीमार भतीजे सैयद सज्जाद के खैमे में आई। बीमार भतीजा गश के आलम में था। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने अपने बीमार भतीजे सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, आवाज़ दी, बेटा सैयद सज्जाद, अरे देखो क्या कयामत आ गई है। जनाबे सैयद सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा, अरे जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। अब जब जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया तो जो मंजर सैयद सज्जाद ने देखा, खुदा वो मंजर किसी बेटे को न दिखाए। क्या देखा कि बाप का सर नौके नज़े पर बुलंद है, आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबना रसूल अल्लाह। ए फूफी अम्मा, हमारा बाबा मारा गया, हम यतीम हो गए, आप बिन भाई की हो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम न लाए सिवाय गम सईद शुहदा के। अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद खैमों में आग लगा दी गई। बीवियाँ, एक खैमा जल जाता था तो दूसरे खैमे में चली जाती थी, दूसरा खैमा जलता था तो तीसरे खैमे में चली जाती थी। यहाँ तक कि जब मैदान करबला में जितने भी खैमे हुसैनी थे सब जल चुके, सिर्फ एक खैमा बचा जिसमें हुसैन का बीमार बेटा सैयद सज्जाद था। एक मरतबा तमाम बीवियाँ उसी खैमे में थी, जब उस खैमे में भी आग लग गई तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने अपने बीमार भतीजे का सैयद सज्जाद का शाना हिला कर कहा, हे बेटा सैयद सज्जाद, अब तुम्हें मामे वक्त हो, बताओ हम सब इस खैमे में जलकर मर जाएं या खैमे से बाहर निकल जाएं। सैयद सज्जाद कहते हैं, बेफूफी अम्मा, जान की हिफाजत लाजमी है, लिहाजा खैमे से बाहर निकल जाएं। जनाब ज़ैनब तमाम बीवियों को लेकर के खैमे के बाहर निकल जाती हैं। लेकिन एक मरतबा हमीद उबनी मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि एक ज़ईफ़ा है जो कि एक मरतबा अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रख करके और अपने कमर को सीधा करती हैं, और सीधा करने के बाद फिर बार बार जले हुए खैमे के अंदर जाती हैं और बार बार निकल आती हैं। लेकिन एक मरतबा मैं आगे बढ़ने के बाद मैंने उनसे
पूछा कि आखिर आप ये तो बताइए कि आपकी कौन सी ऐसी कीमती शय इस खैमे के अंदर रह गई है जो आप बार बार जलते हुए खैमे में जाती हैं और वापस निकल कर चली आती हैं। एक मरतबा शहजादी कौरैन कहती हैं, ए ओ शेख, तुझे नहीं मालूम इस जलते हुए खैमे में मेरा बीमार भतीजा सैयद सज्जाद है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। उसके बाद अली की बेटी खयाम के अंदर जाती है, जलते हुए खयाम से इमाम वक्त को बचा कर बाहर निकाल कर लेकर के आती हैं। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब शिमर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद हुसैन की 4 साले बच्चे सकीना के कानों से गोशवारे छीनता है। गोशवारे छीनने के बाद तमाचे मारता है। इधर हुसैन की बेटी सकीना के गोशवारे छीने, इधर सकीना ने फुरात का रुख किया, तराई का रुख किया, आवाज़ दी, ए चचा अब्बास, आपने जो गोशवारे मुझे पहनाए थे, अरे वो शिमर ने तमाचे मार कर छीन लिए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम न लाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। उसके बाद अब धीरे धीरे शाम होने लगी, धीरे धीरे रात होने लगी। हाय वो शाम गरीबा, गरीबों की शाम, मजलूमों की शाम, कोई नहीं था कि जो इन बेकसों को सहारा देता। एक मरतबा अली की बेटी ज़ैनब ने अपनी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहा, अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, हे उम्मे कुलसूम, आखिर सारे बच्चों को गिन लो, देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा कम हो। एक मरतबा जब बच्चों को गिनना शुरू किया जाता है तो क्या देखती है कि उसमें हुसैन की चहेती बेटी सकीना नज़र नहीं आती। अब जनाब ज़ैनब का दिल तड़पा, एक मरतबा मैदान क़तार की तरफ हुसैन की बेटी को ढूंढने के लिए निकली, आवाज़ देती जा रही है, सकीना कहाँ हो, तुम्हें तुम्हारी फूफी ज़ैनब पुकार रही है। एक मरतबा मैदान क़ताल वैली की बेटी पहुँची, आवाज़ देती, भैया अब्बास, तुम्हारे पास सकीना तो नहीं आई। ए बेटा अकबर, अरे तुम्हारे पास सकीना तो नहीं आई। ए बेटा असगर, क्या तुम्हारे पास सकीना तो नहीं आई। लेकिन इतने में एक नशेब से आवाज़ आई, ए बहन आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, अरे सकीना अभी मेरे पास आराम कर रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा किसी गम न लाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के जिस मुबारक के पास पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि सकीना हुसैन के पायती अपने सर को रखे हुए सो रही है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने जनाब सकीना का शाना हिलाया, जनाब सकीना कैसे चौंकती हैं, कहती हैं, ऐ बुकी अम्मा, जब रात की तारीकी हुई तो चूंकि मुझे अपने बाबा के सीने पर ही नींद आती थी और जब मुझे नींद ने सताना शुरू किया तो मुझे अपने बाबा का सीना याद आने लगा। मैं एक मरतबा मैदान क़ताल की तरफ धीरे धीरे नन्हे नन्हे पाँव से आगे बढ़ी, आवाज़ देती हुई जा रही थी, ए मेरे प्यारे बाबा, कहाँ हो, आवाज़ दो, तुम्हें तुम्हारी बेटी सकीना पुकार रही है। कितने में एक लाश बेसर से आवाज़ आई, एलैया एलैया या बनैया, ए बेटी सकीना इधर आओ, तुम्हारा बाबा यहाँ है। ए बुबी अम्मा, मैं आई और आने के बाद अपने बाबा से बैन करके सो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम न लाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। उसके बाद अली की शेर दिल बेटी सकीना को लिए हुए जले हुए ख़याम में आती है। उसके बाद ख़याम हुसैनी का तराया फिरने लगती हैं तो क्या देखती है कि एक रोशनी चली आ रही है। अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब आगे भागती है, आज जब आगे भागती हैं तो क्या देखती हैं कि वो और कोई नहीं है बल्कि ज़ौजे हुर है जो कुछ दाना और कुछ थोड़ा सा पानी लेकर आई है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब से वो कहती है, शहजादी ज़ैनब, अरे आपके बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, इनको आप गज़ा नहीं मिला है, लिहाजा ये मैं कुछ थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी लेकर आई हूँ, आप अपने इन बच्चों को खिला और पिला दीजिए। सबसे पहले
जनाब ज़ैनब ने एक कूज़े आब लिया। कूज़े आब लेने के बाद जनाब सकीना के पास आई, आवाज दिए, बेटी सकीना, अरे तुम सबसे छोटी हो, तुम सबसे ज्यादा प्यासी हो, लिहाजा लो ये पानी है, सबसे पहले तुम पानी पी लो। जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा, क्या मेरा चचा अब्बास फरास से वापस आ गया? एक मतलब शहजादी ज़ैनब कहती, नहीं नहीं बेटी सकीना, तेरा चचा फरास से नहीं आया, बल्कि ये ज़ौजे खुद पानी लेकर आई है। एक मरतबा जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा, आखिर आप ये तो बताइए कि आपने सबसे पहले पानी मुझे ही क्यों दिया? जनाब ज़ैनब कहती, बेटी सकीना, तुम सबसे छोटी हो, लिहाजा सबसे पहले तुम पानी पी लो। बस ये सुनना था कि जनाब सकीना ने कूज़े आब लिया, अपने नन्हे नन्हे पैरों से मैदान क़ताल की तरफ पढ़ी। एक मरतबा अली की बेटी ज़ैनब ने सकीना से पूछा, हे बेटी सकीना, आखिर तुम ये तो बताओ कि तुम रात की तारीखी में मक्तल की तरफ क्यों जा रही हो? बस ये सुनना था कि एक मरतबा हुसैन की चहीती बेटी सकीना ने आवाज दी, ए फूफी अम्मा, अरे अभी आप ही ने तो कहा है कि मैं सबसे पहली हूँ, सबसे छोटी हूँ, लिहाजा सबसे पहले पानी पी लूं। ए फूफी अम्मा, अरे मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, अरे वो भी तो प्यासा है, मैं सबसे पहले उसे पानी पिलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद पानी पीऊंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम न लाए सिवाय गम सय्यिदुश्शुहदा के। उसके बाद जब अली की बेटी सारे बच्चों को सुला चुकती है, खैमे हुसैनी जली हुई खयाम का तलाया फिरने लगती है, इतने में क्या देखती है कि एक घोड़े पर सवार कोई चला रहा है। अली की बेटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद कहती, ओ शख्स, ए शख्स, अरे मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मैंने बड़ी मेहनत मुशक्कत से इनको सुलाया है, मेरे पास कोई सामान नहीं है, मेरा सारा सामान लूट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुझे कुछ लूटना होगा तो सुबह आकर लूट लेना। मगर वो घोड़सवार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला आता है। एक मरतबा अली की शेर दिल बेटी को कैद आ जाता है, आगे बढ़कर लजावे फर्श में हाथ डाल देती है, कहती है, शेख, ए शख्स, अरे मैं तुझे मना कर रही हूँ लेकिन तू नहीं मानता, अरे मेरा अब्बा शहीद हो गया तो तू क्या ज़ैनब को बेकस समझता है? मेरा हुसैन नहीं रहा तो तू क्या ज़ैनब को मजबूर समझता है? मेरा अकबर मारा गया तो तू क्या ज़ैनब को बेकस समझता है? ए शख्स सुन, मेरी रगों में शेर जुलजलाल का खून है, मैं अली की बेटी हूँ। बस ये सुनना था कि एक मरतबा सवार नकाब पलटी, आवाज दिए, बेटी ज़ैनब, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं तेरा गम रसीदा बाप अली मुर्तजा हूँ। आप सच बताएं, जब ऐसे मंजर में, ऐसे माहौल में ज़ैनब ने बाप का चेहरा देखा होगा तो दिल भर आया होगा, जबान के ऊपर बेसाख्ता फरियाद गई होगी, ए मेरे बाबा, आप उस वक्त कहाँ थे? अरे जब मेरा भैया हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा जिबा किया जा रहा था, ए मेरे बाबा, आप उस वक्त कहाँ थे? अरे जब हमारे सरों से चादरें छीन कर। इन्ना लिल्लाह।